निरोग स्ट्रीट ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पर आज आयुर्वेद सब दुनिया के सामने आ रहा है। निरोग स्ट्रीट का मैं अभिनंदन करती हूँ, उन्होंने अच्छे अच्छे लेक्चर्स यहाँ आयोजित किए हैं। ऐसा है कि आयुर्वेद संहिता का पठन हर व्यक्ति, हर आयुर्वेद का अभ्यासक अपने अपनी जगह करता है, लेकिन यहाँ आकर अगर कुछ वैद्य अपने अनुभव निरोग स्ट्रीट के द्वारा सभी लोगों के साथ शेयर करते हैं, तब ये नई पीढ़ी के लिए भी ये अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है निरोग स्ट्रीट की तरफ से। और निरोग स्ट्रीट को मैं ऐसा आह्वान करती हूँ कि वो भी संहिता अध्ययन के अलग अलग पहलुओं को विद्यार्थियों के तथा वैद्यों के सामने लाने की कोशिश करें, जिसकी वजह से आयुर्वेद का अध्ययन निरंतर चलता रहेगा। निरोग स्ट्रीट का धन्यवाद। दुनिया में आयुर्वेद का अध्ययन करने वाले कई लोग पूरी दुनिया भर फैल गए हैं। अभी इन सब लोगों का एक साथ आना मुश्किल हो रहा है, लेकिन उन्होंने पहले अध्ययन किया है, कई लोग आज भी अध्ययन कर रहे हैं। अगर निरोग स्ट्रीट के इस प्लेटफॉर्म पर निरोग स्ट्रीट इन सभी वैद्यों को एक के बाद एक को लाएंगे, तो ये सभी के ज्ञान का आगे वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोग हो सकता है। नए नए विषय लोगों के सामने आ जाते हैं। अभी जो चैलेंजेस है आयुर्वेद के सामने, जैसे मैंने कहा कि युगानुरूप संदर्भ का अध्ययन करना एक बहुत ज़रूरत है, जहाँ हमें बाकी कई लोगों के लोग आयुर्वेद की तरफ एक आशा, आयुर्वेद लोगों के लिए एक आशा है, सभी पैथी के लोगों के लिए भी, रुग्णों के लिए भी एक आयुर्वेद आशा है, आशा का किरण है। तो अगर निरोग स्ट्रीट इस आशा का किरण, ये आशा का किरण लोगों तक पहुंचाने में कार्यरत रहेगा, तो आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा कार्य अपने आप हो जाएगा।